सर रैपिड फायर जो हम लोगों का होता है उसको शुरुआत कर देते हैं एक बार एक एक करके आपसे सवाल पूछना और उसमें यस और नो है। पहला सवाल आपसे, राम मंदिर बनने से हिंदुओं का गौरव बढ़ा है, ये बात सही है? हाँ यस और नो? यस। थोड़ा जोरदार तालियों के साथ में। दूसरा सवाल, साल 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री बनेंगे? बहुमत आने पर। आए तो वही बनेंगे, बहुमत आने पर तय होगा। यस या नो? आप मेरी बात सुनिए, आप पास भी कर सकते हैं। बात यह है ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि 2004 में भी आप देख लीजिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कोई डिक्लेयर्ड पीएम कैंडिडेट नहीं थे। हमारा बहुमत बना, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। तो अगर इंडिया अलायंस को अगर बहुमत मिलता है तो इंडिया अलायंस तय करेगा। ममता बनर्जी ने नाम रखा था खड़गे साहब का। देखिए मैं आपसे जो कह रहा हूँ ये कोई रैपिड फायर हाँ का ना की बात नहीं है। जी जी ठीक है। तीसरा, बाबा बागेश्वर से आप अपनी पर्ची निकलवाना चाहते हैं? मैं ऐसा है, बागेश्वर बाबा बागेश्वर जो है नौजवान है, मैं भी उनसे मुलाकात कर चुका हूँ। उनकी एक कथा में मैं गया था छतरपुर में। तो ये मैं पर्ची वर्ची के अंदर विश्वास करता नहीं हूँ, ना मुझे ना पर्ची में विश्वास है, ना मुझे एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है। ये सब जो है आजकल दुकानें चल रही हैं, चलने दीजिए। वो आपका जवाब लेकिन यस और नो से ही होगा दिग्विजय जी, वो आपको बताना जरूर उससे पड़ेगा। यस या नो से ही आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए ऐसी चीज, ऐसा आप प्रश्न पूछेंगे इसका यस और नो जवाब ही नहीं है। अगला सवाल, कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू जी जिम्मेदार हैं? अगला सवाल, मोहन भागवत से मिलकर विवादों को आप दूर करना चाहेंगे? यदि वो चाहें तो यस या नो तो आप बता दीजिए। अगर आप यदि वो चाहें तो ये कहकर अगर आप यस बता देंगे तो ऐसा है, यदि वो चाहें तो बिल्कुल मैं मिलने तैयार हूं। वो कौन ये है, मुलाकात तो दो व्यक्ति में होगी अकेले में होगी? मैं आप मुझसे यस कहलवा देंगे और वो मुझे मना कर देंगे तो फिर क्या होगा? चलिए मैं जरूर आपके पास ये पूछूंगा कि मुद्दे कौन से, लेकिन अगला सवाल हम देख लेते हैं एक बार। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर शांत हो गया? नो। इसकी वजह कुछ आप आ जाइए इधर बता दूंगा जी। आपने धारा 370 को स्टडी किया है? जी। धारा 370 लगभग समाप्त हो चुकी थी, 90% से ज्यादा अधिकार जो 370 में थे वो धीरे 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 समाप्त हो गए थे। धारा 370 जो था वो उस समय इसलिए लगाया गया था, पर एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। 20 और 30 के बीच में वहाँ के कश्मीरी पंडितों ने निवेदन किया तत्कालीन महाराजा को कि कश्मीर के लोगों को ही कश्मीर के अंदर नौकरी मिलना चाहिए। ये उसका एक अंग था जो आज तक कायम रहा। अब वो जब हट गया तो कश्मीर के लोगों को भी आपत्ति हो रही है, वहाँ नए नए ठेकेदार पहुँच गए और ठेकेदार भी सब गुजरात के वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ के कश्मीर के लोगों को भी परेशानी हो रही है कि भाई हमारी तो ना नौकरी हमको मिल रही और ना हमारे पास ठेकेदारी जो हमको मिल ठेका ले लेते, हमारा व्यवसाय भी बंद हो गया। तो इसलिए धारा 370 को एक बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया और उसके तो धीरे धीरे पूरे जो उसमें प्रोविजंस थे वो सब समाप्त से हो गए थे। 90% उसका जो है भारतीय संविधान में सम्मिलित हो चुका था। तो दिग्विजय जी अब वैसा आतंकवाद, वैसी आतंकवादी घटनाएं रोज तो हो रही है, पहले तो नहीं दिख रही थी, पत्थरबाजी नहीं होती। आप शायद दिखाते नहीं सड़कों पे पत्थरबाजी नहीं होती। आप टीवी 9 पे शायद आप घटनाएं नहीं दिखाते होंगे, रोज तो वहां आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, कब नहीं हुई हैं? एक बार इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने
लोकसभा में क्या बोला था एक बार वो सुन लेते हैं जरा। मुझे मालूम है क्या कहा था उन्होंने। देखिए स्टैटिस्टिक्स हैं, एक बार लोगों को सुनवा ले फिर आपसे रिएक्शन ले लेते। सुनवा दीजिए। मैं दिग्विजय सिंह को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। जब भी वो हंस कर बोलते हैं तब बहुत समाज के अंदर डिस्टर्बेंस होता है। बड़ा रिकॉर्ड है उनका, मैं रिकॉर्ड को जानता हूँ। आज भी हंसकर बोले, मैंने बोला क्या निहितार्थ थे, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज को याद कर कर सोचा तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि भाई किसी का छिनकर तो नहीं लगो, ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं, गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं। अगर कश्मीर वैली और जम्मू कश्मीर आज भारत के साथ है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाता, शेख अब्दुल्ला को जाता। रिकॉर्ड पर है कश्मीर में दिग्विजय जी ने जवाहर सरदार पटेल का नाम नहीं लिया, एक नाम लिया शेख अब्दुल्ला का, दूसरा नाम लिया जवाहरलाल नेहरू का। जूनागढ़ में, जूनागढ़ में क्या जवाहरलाल नेहरू गए थे? हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे? लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू कश्मीर में, जिसको आधा छोड़कर आ गए, एक ही जगह देखते। आपका रिएक्शन? पहली बात तो समझ लीजिए कि बड़ा ये कुटिल प्रयास चलता रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के बीच में विवादों का। ये बात समझ लीजिए कि सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टॉलवर्ट्स दोनों थे और एक दूसरे के पूरक थे। दोनों ने साथ आंदोलन किया, जेल गए, तो इसलिए सरदार पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कोई विवाद नहीं उन्होंने कभी महसूस किया। लेकिन ये लोग जो आज सरदार पटेल और नेहरू के बीच में विवाद कर रहे हैं, वो लोग आज़ादी के लड़ाई में कहाँ थे और कब थे? क्या आरएसएस के और उस लोग और हमारे हिंदू महासभा के लोग कभी आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने भाग लिया? वो क्या बात कर रहे हैं? जहाँ तक जूनागढ़ की बात है और कश्मीर की बात है, हाँ मैंने उसका उल्लेख किया था। दूसरा, इन्होंने जो कहा कि गुर्जर और वहाँ के पहाड़ी लोगों के आरक्षण का, उसमें मेरा आपत्ति ये थी कि आपने कितना प्रतिशत लोगों को और इसका लाभ मिलेगा उसकी जानकारी आपने एक्ट में नहीं दी है। एक्ट में प्रोविजन जब आपने नहीं किया है तो इसमें कन्फ्यूजन है। वहाँ के लोगों के मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि वहाँ के ट्राइबल्स के जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर उतनी आरक्षण आप बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, मेरा प्रश्न था। तो अमित शाह जी को और कुछ नहीं मिला तो उन्होंने कह दिया दिग्विजय सिंह विवाद खड़ा करते हैं। अरे विवाद का आप अगर कानून में विवाद रखेंगे, अगर एम्बिग्यूटी रखेंगे कानून में, तो हमारा प्रश्न पूछने का अधिकार बनता, हमने पूछा था।